bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here. गाइस अभी मैं जा रहा हूँ फिला टेम्पल. फिला टेम्पल है असवान शहर का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन. तो मैं ये जा रहा हूँ बोट पे चढ़ के नाइल रिवर के ऊपर से. वो पीछे वो आइलैंड देख सकते हो. आइलैंड से हम लोग का जर्नी शुरू हुआ है, शहर से सॉरी. हम लोग को जाना है इस आइलैंड, जिस आइलैंड में है द ग्रेट फिला टेम्पल. सो गाइस इतना प्यारा सा एक बोट में ये नाइल रिवर के ऊपर राइड करते हुए बोट राइड करके वहाँ पर जाना, ये एक्सपीरियंस तो गजब का है. Seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. सो गाइज ऑलरेडी हम लोग पहुँच चुके हैं फिला टेम्पल. आप देख सकते हो बोट छोड़ के ऊपर जाने का टाइम है. सो गाइज ये 5 से 6 मिनट का ये जो नाइल रिवर के ऊपर जो ड्राइव है दैट इज जस्ट ऑसम. तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं अभी आ चुका हूँ एकदम कैंपस के अंदर. चारों तरफ आप देखिए ये सब सीन शायद कभी ना कभी किसी हॉलीवुड मूवी में, किसी पिक्चर में और गूगल में आप ज़रूर देखा होंगे. ये देखिए बड़े बड़े सब पिक्चर्स यहाँ पर राजाओं का, यहाँ पर जो पूजा होता था उस राजाओं का पिक्चर्स यहाँ पर लगा हुआ भी है. और ये जो जगह है आप देख सकते हो यहाँ पर तो वो जगह है, ये दिस टू प्लेसेस. यहाँ पर भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता था पर यहाँ पर तीन चीज़ भगवान को नहीं दिया जाता है. दैट इज़ पहले तो गार्लिक, सेकंड इज़ फिश एंड थर्ड इज़ ऑनियन. ये तीन चीज़ भगवान पसंद नहीं करते हैं तो इसीलिए भगवान को ये तीन चीज़ नहीं दिया जाता है. दोस्तों आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ पूरा फिला टेम्पल के मेन सेंटर में. या पीछे देख सकते हो ये जो खुदाई किया जो पिक्चर है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ. लेट मी जूम इट अप. ये पिक्चर्स है उन लोगों का, राजाओं का, रानियों का, उन लोगों का जो वॉरियर्स का पिक्चर्स है ये सब. और ये पूरा हिस्टोरिकल ये जो जगह है यूनिसेफ का वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है. और ये देखने के लिए पूरे दुनिया भर से इस महान जगह को, ये राजाओं का, देवियों का, रानियों को जगह को देखने के लिए लोग पूरे दुनिया से ठीक इस जगह पर आते हैं जो एक डेल्टा में, एक आइलैंड में है, जो 10 से 15 मिनट का एक नाइल रिवर के ऊपर बोट राइड के बाद आपको यहाँ पर आया जा सकता है. दोस्तों अभी मंदिर के ठीक अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं. देखिए ये है मंदिर का मेन कैंपस. यहाँ पर बिल्ली भी है, वो भी हम लोग वेलकम करने के लिए आ चुका है. जस्ट लुक एट द ग्रैंड ऑफ एंड द रॉयल टेंपल. व्हाट इज दिस अल्टर? क्या व्हाट हैपेंस विद इट? इट्स अ पार्ट ऑफ द चर्च. हां इट्स अ पार्ट ऑफ द चर्च. Okay. Mm-hmm.
अभी हम लोग जिस जगह पे है, इस जगह पे सिर्फ एक आदमी, दो आदमी का आने का परमिशन था एंशिएंट टाइम में, सिर्फ जो इजिप्ट का राजा और यहाँ का जो हाई प्रिस्ट। ये जगह को बोला जाता है पवित्र जगह, जहाँ पर भगवान को प्रार्थना के लिए, ऑफरिंग के लिए इस जगह को चुना गया था। इस जगह के ठीक ऊपर यहाँ पर एक स्टैचू था भगवान का, इजिप्शियन भगवान का, और उसको पूजनीय के पूजा के लिए यहाँ पर सिर्फ आते थे इजिप्ट का राजा और यहाँ का जो हाई प्रिस्ट। तो सोच सकते हो हज़ारों साल पहले यहाँ पर आने का किसी का अनुमति नहीं था, पर अभी इसी जगह से मैं आप लोगों के साथ खड़े होकर बात कर रहा हूँ। दोस्तों, इस टेंपल में ये एक रहस्यमय, एक मिस्टीरियस दरवाज़ा है। अगर ये दरवाज़ा से हम लोग अंदर जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ से ही यहाँ का जो हज़ारों साल पहले राजा रानी, जो प्रीस्ट, ये लोग अंदर जाते थे सीक्रेट रूम में। और यहाँ पर ख़ास जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए, जो पहले टाइम में जो ट्रेजर हाउस, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़, जो सोने, ज्वेलरीज, सब कुछ रखा जाता था इसके अंदर। आप देख सकते, इस जगह को ताले लगा कर रखा गया है। दिस इज़ लॉक्ड ओवर हियर। इसके नीचे एक सुरंग है, सीक्रेट रास्ता है, ये जाता है एक बड़ा सा चेंबर में, वहाँ पर ही है। बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले वहाँ पर ही लोग, यहाँ का जो राजा, आपका जो संपत्ति, जो ज्वेलरीज, गोल्ड, डायमंड, सब कुछ वहाँ पर अंदर रखते थे। तो आप सोच सकते हो, इजिप्ट हर दिन, हर मोमेंट आपको सरप्राइज करेगा। ऐसे इस टेंपल में जब आओगे, आप सिर्फ हिस्ट्री को नहीं देखोगे, आप देखोगे इसके साथ सरप्राइजिंग लॉट ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको एक भाषा में बोला जा सकता है, दिस इज गाइज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। तो दोस्तों, अभी मैं मंदिर टेंपल के कैंपस से बाहर आ चुका हूँ। जस्ट बाहर का नज़ारा देखिए, जस्ट लुक एट द सीन ऑफ आउटसाइड। यहाँ का सीन तो दोस्तों कमाल का है। आप देखिए, आइलैंड है। इस आइलैंड के चारों तरफ नाइल रिवर का जो पानी, यू कैन सी द नाइल रिवर वाटर इज़ फ्लोइंग एवरीवेयर, एंड देयर इज़ अ ब्यूटीफुल आइलैंड। यहाँ पर ये खूबसूरत सा आइलैंड है। यहाँ पर जस्ट सोचिए, यहाँ पर बैठ कर नाइल रिवर को देखते देखते, चट्टानों को देखते देखते, कैसे घंटों में बिता सकता हूँ। That I have no words to explain. But guys, यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बैठे रहिए, नेचर को एक्सप्लोर कीजिए। Just look at the beauty. This is the Great Nile River, दुनिया का सबसे लंबा, longest river in the world. और इस river का जो एकदम बीच में, जो आइलैंड में अभी मैं खड़ा हूँ, this is a Phila temple campus. खड़े होकर आपके साथ बात कर रहा हूँ, trust me, experience का जो value कितना है, I have no words to explain. दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 14 ऐसे गंबुज है, पिलर्स है। इस 14 पिलर का मतलब है, वंस अपन अ टाइम यहाँ पर इजिप्ट का टोटल 14 प्रोविंसेस थे। हर प्रोविंस के लिए एक एक बड़े बड़े गंबुज, एक एक बड़े बड़े पिलर्स को बनाया गया है। आप देख सकते हो, दीज आर द 14 पिलर्स ऑफ दिस बिल्डिंग। सो दोस्तों, ये प्यारा सा आइलैंड को छोड़कर अभी जाने का टाइम हो चुका है। नाउ टाइम टू गो।
रोमांच एडवेंचर को खत्म करके अभी मैं आगे निकल जाना हूँ। आप देख सकते मैं आ चुका हूँ मेन लैंड पे। तो कैसा लगा ये एपिसोड जरूर कमेंट बॉक्स में जनाना। ये ब्यूटीफुल लोकेशन से राइट नाउ आई एम लिविंग नाउ। सो गाइस, सो जर्नी वाज जस्ट ऑसम। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।